बढ़े, डायमेंशन लाइन को और ज्यादा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए पहला है डायमेंशनिंग, ड्राइंग समाप्ति के पश्चात, पहले ड्राइंग करेंगे कि पहले डायमेंशनिंग करेंगे? पहले, तब ना डायमेंशनिंग करेंगे, पहले सर ऐसे ड्राइंग कर लेंगे तब ना डायमेंशनिंग करिएगा कि पहले डायमेंशनिंग कीजिएगा? कहता ड्राइंग समाप्ति के पश्चात, सर ड्राइंग जरूरी है, डायमेंशनिंग जरूरी है कि नहीं है? नहीं कीजिएगा डायमेंशनिंग, पता नहीं चलेगा कितना को क्या माने हैं। कहता ड्राइंग समाप्ति के पश्चात उस ऑब्जेक्ट का आकार और साइज समझने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डायमेंशनिंग क्या था? बिना डायमेंशनिंग के ड्राइंग सही नहीं कहा जाएगा कि सही कहा जाएगा? डायमेंशनिंग डायमेंशन तथा व्याख्या वस्तु के आकार तथा उसके बनाने की विधि का प्रारूप है, मतलब उसका आकार, उसको किस विधि से बनाया गया, डायमेंशनेशन पता चलेगा। आका था BIS के द्वारा डायमेंशन MM में ही प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि अगर एक रेखा की लंबाई 40 है, इसका मतलब वो कितना MM है? अगर हमने यहां लिख दिया 40, इसका मतलब उस रेखा की लंबाई कितना MM है? MM लिखने की जरूरत है क्या? कहता है डायमेंशनिंग में संख्या के साथ MM का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कहता है डायमेंशनिंग तत्व, एलिमेंट ऑफ डायमेंशन, कहता है ये वे पतली रेखा है जो किसी वस्तु की मांग की रेखाओं तक बढ़ाने के लिए उपयोग किया था। जहां तक हमारी मांग है कि इतना हमको खींचना है, उतना तक हम इसको खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? कहता है निम्नलिखित लाइनों का प्रयोग डायमेंशन में क्या था? पहला तो एक्सटेंशन लाइन, बिना एक्सटेंशन लाइन के डायमेंशन लाइन होगा क्या? बिना एक्सटेंशन लाइन के डायमेंशन लाइन, पहले एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे तब डायमेंशन लाइन खींचेंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा क्या? काटेगा? आई एरो इसमें सटेगा कि हट ले रहेगा? आ कहता है डायमेंशन लाइन, सॉरी एक्सटेंशन लाइन, जिस वस्तु की डायमेंशनिंग करनी होती है उसके किनारों से छोटा हल्का लकीर खींचा जाता है। ये किनारे से थोड़ा सा हल्का छोटा क्या किएंगे? लकीर खींचा जाता है, उसे हम कौन लाइन कहते हैं? एक्सटेंशन लाइन। आपके सामने है, देखिए एक्सटेंशन लाइन है क्या? देखिए फिगर में एक्सटेंशन लाइन दिख रहा है, डायमेंशन लाइन दिख रहा है, विजिबल गैप दिख रहा है, एरोहेड दिख रहा है, फीचर का साइज दिख रहा है। आपका था बीमा रेखा, डायमेंशन लाइन, यह रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद रहती है। किस निशान से बंद रहती है? बीमा रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद है। आ दो एक्सटेंशन लाइन में काय को डायमेंशन लाइन, और दू को एक्सटेंशन लाइन तो काय को डायमेंशन लाइन? एक कहता है निशान से बंद है, बीमा रेखा केवल तभी तक दूसरे को काट सकती है जब अतिरिक्त स्थान उपलब्ध ना हो। हेलो हेलो, जा रहा है? देखो होता क्या है, कभी कभी मेरा ही मेन कोड छोड़ देता है, इसलिए नहीं जाता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गला सूख जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। 5 बजे से ऑन है, बैटरी 4 को बदला आदमी वही है, ठीक ना? तुरंत मन मन जोड़ लिया होगा, पैसा आ रहा है। देखिए सर, सब पैसे के लिए हाई बाप करता है, नहीं करता है? आप भी यहाँ कौन सा मेरे लिए बैठे हैं? बैठे हैं का? इतना मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा पाए? ना तो ग्रुप डी एफ करते, सोचे नहीं ड्राइवर टेक्नीशियन हो जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा। हर लोग पैसे से जुड़े हुए हैं। आपका भी एक सपना होगा कि हमारे पास भी एक अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा गाड़ी हो, नहीं है सपना? और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास अच्छी हो। तो मामला ये है कि
नहीं चाहिए सर, आप भी चाहते हैं कि पापा मम्मी को हम हर वो सुख दें जो वो चाहते हैं, तो इसके लिए तो सर पैसा चाहिए। हम भी सर अगर आज पढ़ा रहे हैं तो कभी ना कभी हम भी सर रूम बंद करके 15 से 16 घंटे का, जिस दिन सर 15 घंटा नहीं पढ़ते थे ना, लगता था रूम से निकलेंगे तो ककरो चक्कू मार देंगे, उतना फ्रस्ट्रेशन होता था। किताब से दूर रहते थे तो लगता था यार कब हम पहुंच जाएंगे, अभी जैसे आपको लगता हो। अभी अगर आपका कोई टाइम बर्बाद करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता हो। ये जो भूत आप पर सवार है सर, और जितना मेहनत अभी आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको चाहिए कि नहीं? जो नहीं कर रहा है वो गया घर, उसको नहीं चाहिए, उसको मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं आपको मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमको लगता है अभी 3 4 घंटे 5 घंटे के लिए किसी को बंद कर दे कि तेरा पढ़ने नहीं देंगे, तो आधा पागल हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं सर, 2 4 दिन के लिए आपको कुछ हो जाए, बुखार लग जाए, हमको लगता है बहुत का चैनल छोड़ देगा, क्योंकि अब लग रहा है कि मंजिल एकदम नजदीक है, बस 1 महीना 5 दिन, जन्नत अपनी है, नहीं लग रहा है सर? वही, उतना आदमी उतना मेहनत करता है किसके लिए? पैसा के लिए। आप ही अभी ट्रेन में ड्यूटी लग जाएगा, तुरंत ओवर ड्यूटी शुरू कर दीजिएगा पैसा के लिए। वो अलग बात है कि आपके पैसे पर सुख दूसरे लोग करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, आपके मम्मी पापा बच्चे सब आपके पैसे पर सुख करेंगे, और आपको मेहनत करना होगा, लेकिन वो मेहनत भी अच्छा लगेगा सर। अभी हम यहाँ है तो पापा को अगर कुछ पैसा दे देते हैं और हंस देंगे, हमको लगेगा भर दिन का मेहनत जो है मेरा पूरा हो गया, फर्के नहीं पड़े। हम अपना पैसा सर देखिए, यही शर्ट है, यही जीन्स है, यही चप्पल है, 6 महीना से सोच रहे हैं बदलेंगे, स्पार्क का चप्पल है 550 टका, सोच रहे हैं बदलने का, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मम्मी पापा को देख लेते हैं ये कोई चीज यहाँ गड़बड़ है तो सोचते हैं कब ला के दे दें, अब वो एक बार हंस देंगे मगर सब पैसा वसूल। गलत बोल रहे हैं सर, आप भी मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं, आपको कौन सा अपना चाहिए? आप तो पहले भी वैसने थे, अभी वैसने हैं, तभी वैसने रहिए। गलत बोल रहे हैं, ये सब बात सर जनहित में जारी है। कहते हैं गौर फरमाइएगा। हम थे सर, यस, बीमा रेखा पर। कहता है बीमा रेखा, यह रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद होती है, बीमा केवल तभी एक दूसरे को काटेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह वस्तु ऐसे है, इसका बीमा हम दिखा दिए ऐसे, बीमा रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, बीमा रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास अब जगह ही नहीं है, इतने जगह ही था, या और संकीर्ण है, मान लो कि ये हमारे फुल पैक एकदम इतने जगह ही है मेरे पास। अब अगर हमको इसका बीमा दिखाना होगा, तुम कहेगा सर इधर जगह है, ले हम पैक कर देते हैं। हमारे पास ना अब इधर जगह है ना इधर जगह है, इसकी लंबाई दिखानी है। अब सर काटेगा, वैसे काटता नहीं है, डायमेंशन लाइन कभी भी एक्सटेंशन लाइन को काटता नहीं है, लेकिन जगह नए है तो काटेगा। काटा कि नहीं? अभी जगह रहता तो यहां दिखाते। क्वेश्चन कहेगा डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को काटता है, कहेंगे ना, कहेगा जगह नहीं है, काट दो। पढ़िए, कहता बीमा रेखा केवल तभी एक दूसरे को काट सकती है जब अतिरिक्त स्थान उपलब्ध ना हो। अदृश्य रेखाओं का बीमांकन करते हैं क्या? जे रेखा दिख नहीं रहा पर बीमा कैसे लिखिएगा? डायमेंशन लाइन एक दूसरे को कभी काटता है कि नहीं काटता है? डायमेंशन लाइन कभी एक दूसरे को काटता, इसे डायमेंशन लाइन है, ये एक दूसरे को कभी काटता है क्या? काटेगा तो गलत है। कहता यह लाइन भी हल्की होनी चाहिए, मतलब बीमा रेखा हल्का होगा कि गहरा होगा? अब दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में सिर्फ कई गो डायमेंशन लाइन, कई गो, एक ही डायमेंशन लाइन होना चाहिए। डायमेंशन लाइन का स्थान भी सही तरीके से होना चाहिए, डायमेंशन लाइन का स्थान
सही तरीके से होना चाहिए, मतलब 5 से 8 mm की दूरी पर होना चाहिए। कितना एमएम की दूरी पर लिख लो, अर्थात 5 से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। उसी में बढ़ा के लिखिए ना, अर्थात डायमेंशन लाइन का स्थान सही तरीके से होना चाहिए, अर्थात 5 से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। अर्थात कितना से कितना एमएम की दूरी पर होना चाहिए। अब आते हैं एरो हेड, कौन हेड, मिठाई हो,